हेलो मॉमीज़, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इवान का आफ्टरनून रूटीन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, अभी बज रहे हैं 12 और इवान की जो है वो मालिश कर रही हूँ मैं। उसको मसाज लेना बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम मैं उसको किसी एक्टिविटी में इंगेज कर देती हूँ। जैसे अभी इसके हाथ में बुक है, तो ये बुक पढ़ते पढ़ते आराम से मसाज करा लेता है। अगर मैं कोई चीज़ ना दूँ तो ऐसा हो सकता है ये उधर उधर भागता है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ कोई टॉय या कोई बुक इसको पकड़ा देती हूँ। तो 12 बजे के आसपास मैं करती हूँ इसकी मसाज डेली, और उसके बाद आधे घंटे के आसपास मसाज करती हूँ पूरी बॉडी पर, और उसके बाद इसे आराम से दोबारा से कपड़े पहना देती हूँ। और उसके बाद इसकी दादी इसको लेके जाती है पार्क में घुमाने के लिए, या फिर दादाजी, जो भी अवेलेबल होता है। अभी दादी फ्री थी तो दादी जो है इसको पूरा अच्छे से कपड़े पहना के ले गई है पार्क। जब बच्चे की मालिश होती है, उसके बाद बच्चा जो है कुछ देर के लिए उसे छोड़ना चाहिए कपड़े पहना के, जैसे वो जो तेल है वो उसकी बॉडी में रम जाए अच्छे से। तो अभी दादी जो है इसको बाहर खिला रही हैं, और वो 20-25 मिनट इसको पार्क में खिलाएंगी, और उसके बाद इसको वापस घर लेके आएंगी। उसके बाद आते ही इवान करता है 1 बजे के आसपास लंच, और लंच में ये सबकी थाली में से भी खाता है। ऐसे नहीं है कि मैं इसको अलग से लेके बैठती हूँ, कभी कभी अलग से भी लेके बैठती हूँ, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि ये जो भी खा रहा होता है उसके साथ खा लेता है। कभी अपने चाचा की थाली से खाएगा, कभी बाबा की थाली से खाएगा, मतलब इसके दादाजी की थाली से खाएगा। तो अभी पापा खाना खा रहे थे तो ये पापा के साथ खाना खाएगा, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा टहलने देंगे, थोड़ा ये टॉय वॉय से खेलेगा, क्योंकि खाना खाने के एकदम बाद बच्चे को नहलाना नहीं चाहिए। तो अभी थोड़ी सी ये मस्ती करेगा, सबके साथ अपने टॉयज से खेल रहा है। और उसके बाद जो है मम्मी इसे 1:30 बजे के आसपास जो है नहलाने के लिए लेके जाती हैं, और अच्छे से ये बात लेता है बहुत बढ़िया तरीके से। और उसके बाद नहला धुला के मम्मी इसको नहलाती है, इतने तक मैं अंदर सारी तैयारी कर लेती हूँ, जो भी कपड़े इसको पहनने होते हैं रख लेती हूँ, इसका डायपर रख लेती हूँ, इसका लोशन ऑयल वगैरह रख लेती हूँ, कि जैसे मम्मी आए और एकदम से तैयार कर दें और उन्हें कोई परेशानी ना हो। तो ये मैं सारा सामान मैंने यहाँ पर रख लिया है ऑलरेडी, कि ईमान आएगा तो उसको सब कुछ पहनाना है। उसके बाद मम्मी इसको तैयार कर देती हैं, और तैयार करने के जस्ट बाद इसका खाना वगैरह भी सब हजम हो चुका होता है इतने तक, क्योंकि ये खाना खाने के बाद भी थोड़ी देर खेला था, और उसके बाद नहाने वगैरह के प्रोसीजर में इसका खाना हजम हो जाता है। तो मम्मी इसको फिर दूध की बॉटल पकड़ाती है और ये दूध पीता है, और लाइट वगैरह बंद करती हैं, या फिर मैं सुला देती हूँ, मम्मी सुला देती है, कोई भी सुला देता है। अभी फ़िलहाल मम्मी सुला रही हैं इसको, और 2 बजे के आसपास जो है ये सो जाता है। दूध की बॉटल जैसे इसके मुंह पे आप लगाते हैं, रिलैक्स होके मसाज इसकी हो चुकी होती है, नहा चुका होता है, तो इसको अपने आप इसकी आंखें बंद होने लगती हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे सो गया। अभी बज रहे हैं 2 दोपहर के, और ये सोता है 3 घंटे के आसपास, 3 साढ़े 3 घंटे सोता है दोपहर में। तो अभी ये 5 बजे के आसपास उठेगा। तो ये था इवान का आफ्टरनून रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ आइडियाज़ मिले होंगे कि बच्चे का रूटीन किस तरीके से सेट होना चाहिए। और इवान का मॉर्निंग रूटीन मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, लिंक नीचे दे दूंगी, चाहे तो आप देख सकते हैं, और इवनिंग रूटीन भी जल्द आएगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।